अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो है आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम ये लग शुक्र है मतलब ठीक है सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आज हमने क्या क्या किया। ये देखिए फ्रेंड, हमारे मिठू मियाँ छोटे से ये उड़ लेते हैं, चलने में थोड़ी दिक्कत है। बट जहाँ इन्होंने मुझे देखा बट टू 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 करना, बाकी बजीज माशाल्लाह आराम से रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। खाते पीते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, इनको बस आसान करते रहते हैं। छोटू मियाँ को खा लेते हैं घूम, लेकिन फिर भी ना टच किए उसको। देखिए हमारे घर के बच्चे जहाँ कुछ मिला बस शुरू। क्या कर रहे हो गंदगी सब? भाई 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 चलते हैं हमारे पेट्स की तरफ, देखते हैं इधर क्या कर रहे हैं आज। ये देखिए हमारे पेट्स मुर्गियां बटर, देखिए भुट्टे एक तरह से भागते हुए आए सब। खाना दे चुका हूँ ऑलरेडी उसको, देखिए बटर के ऊपर चढ़ी हुई है। इतना भी नहीं कूड़ों में कहाँ घुस गया है ये। देखो चलो, इनको थोड़ा अंदर रखने का वक्त आ गया दोस्तों, बंद करने का, शाम हो गई होगी। चलो 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 चलो। सारे जानवर पर, ये जानवर पालने में सिर्फ एक ही दिक्कत है, गंदगी बहुत करते हैं। देखिए मैं इनके अंदर रूम में रोज डेली झाड़ू लगाता हूँ शाम को, लेकिन उसके बावजूद जब भी अंदर आओ तो पूरा गंदा पड़ा रहता है। देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से खोद खोद के सब ले जाते हैं। ये देखिए कुछ समझ में नहीं आता इनका क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। हमारे रैबिट आराम से बैठे हुए, देखिए फिल्मी जोड़ी। ये है हमारे पिजन्स, सारे सारे माशाल्लाह खुश इंजॉय करते हुए। बाकी घर वालों के बारे में तो जैसे आप जानते हैं कि सब के सब हैं इस टाइम पे लखनऊ में। जुहान भी लखनऊ चला गया उसकी नानी के पास, मैं यहाँ अकेले इस टाइम। वो नहीं होता तो घर में और अच्छे नहीं लगते, लेकिन इंतजार तो करते हैं। अगर देखिए मैं हमारा भी बाहर आ गया, मैंने बंद कर देते हैं, फिर मिलते हैं। ये फिर आ चुके अपने रूम में। था उस दिन से आप लोगों को फिशेज नहीं दिखाई थी अपनी, तो अपनी फिशेज भी दिखा देते हैं। ये देखिए सही सलामत है, अल्लाह का शुक्र है कि हाइब्रिड फिश टैंक हो गया फ्रेंड। इसमें जो मछलियाँ पड़ी हैं सारी अटैकर है, तो इनके चलते मैं इसमें कोई और मछली डाल नहीं सकता और कोई मछली लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन इसीलिए इनको इसमें रखा हुआ है, इतनी बड़ी जब ये कोई ले ले तो हम दूसरी मछली ला सकते, नहीं तो दूसरा टैंक लेना पड़ेगा। छोटी मछली मैं कोई भी डालूँ, छोटी या बड़ी भी अगर मैं डालता हूँ उसमें, तो ये सब किसे मिल के उनको मार देंगी। ये सारी हार्ड फिश बोलते हैं ना, अटैकर बोलते हैं, तो ये सब बड़ी दिक्कत है इन सब की, मैं चेंज नहीं कर सकता ना, मजबूरी है। तो फ्रेंड जैसा हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए जो दिक्कत होती है या कुछ अब नया कर सकते तो उसके बारे में बताइए, ताकि और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में।